सब्सक्राइब कीजिए ब्यूटी सीक्रेट हिंदी यूट्यूब चैनल को और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को भी दबाइए और पाइए सेहत और खूबसूरती से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूटी सीक्रेट हिंदी में। मैं आपकी दोस्त नैना गुप्ता। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आपको बताऊँगी बहुत ही सिंपल और सस्ता सीरम जो कि आपकी स्किन को बहुत ही जल्दी बनाएगा फेयर, स्पॉटलेस एंड सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। दोस्तों, यह जो सीरम मैं आपको बता रही हूँ, ये बनेगा फटे हुए दूध से। जी हाँ, फटे हुए दूध से। दोस्तों, फटे हुए दूध में मौजूद होता है विटामिन ए, डी, विटामिन बी सिक्स, प्रोटीन, बायोटीन, लैक्टिक एसिड, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स जो कि स्किन को वाइट करते हैं और स्किन से डार्क स्पॉट्स को हटाते हैं। यह हमारे स्किन के पोर्स को क्लॉक करते हैं और यह ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। और यह हमारी स्किन की टैनिंग को भी हटाते हैं और हमारी स्किन से पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट और डार्क स्किन टोन को भी दूर करता है। और यह स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और साथ ही साथ स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। और यह स्किन से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और हमारे चेहरे पर बहुत ही अच्छा ग्लो छोड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, इस सीरम को शेयर करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ब्यूटी सीक्रेट सिंधी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों, इस स्किन वाइटनिंग सीरम को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप आधा कप कच्चा दूध लीजिए और उसमें आधे नींबू को निचोड़ दीजिए और इसको 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। दोस्तों, दूध में नींबू हमने इसलिए मिलाया है ताकि ये अच्छे से फट जाए। जब दूध अच्छे से फट जाए तो आप एक क्लीन बाउल लें और उसमें इस फटे हुए दूध से जो पानी निकलता है उसको निकाल लीजिए। हमें इस दूध से सिर्फ पानी चाहिए। अब आप इस पानी में एक चुटकी नमक, 2 चम्मच ग्रिसलीन, 2 से 4 केसर की पत्तियाँ, यदि आपके पास केसर की पत्तियाँ नहीं हैं तो आप उसमें 1 चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं और इनको डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए। अब आपका यह वाइटनिंग सीरम तैयार है। दोस्तों, आप इस सीरम को 2 से 3 दिन के लिए स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। दोस्तों, आप इसे रोज़ रात को सोने से पहले अपने फेस पर एक कॉटन की हेल्प से लगाइए और लगाने के बाद आप इससे अपने चेहरे पर हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए ताकि हमने जो भी इंग्रेडिएंट इसमें मिक्स किए हैं वो अपना काम अच्छे से कर सके और अपने चेहरे को ना धोए और बल्कि ऐसे ही सो जाए। जब आप मॉर्निंग में अपने फेस को वॉश करेंगे तो आपका स्किन बहुत ही ग्लो करेगी। दोस्तों, इस सीरम से आपके स्किन से डार्क स्पॉट्स दूर होंगे, चेहरे से डलनेस दूर होगी, चेहरे में चमक आएगी और चेहरा फेयर और ब्राइट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल प्लस द्वारा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, शायद उनको भी कोई बेनिफिट मिल जाए। स्क्रीन पर दी गई वीडियो को भी देखें और साथ ही दिए गए लोगों पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।